तटवर्तियों के लिए सारी सुविधा का व्यवस्था किया गया है, जैसे लाइट बैरिकेटिंग। सुरक्षा के लिए प्रशासन के लोग रहते हैं, पूजा समिति के लोग रहते हैं, सभी लोग तो रहवे करते हैं। यहाँ जैसे दूध हो गया, चाय हो गया, यही सब चीज़ का व्यवस्था किया जाता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के कुर्जी मोर के पास गेट नंबर 83 का घाट पे। मैं यहाँ आकर आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मिट्टी कटाव हो चुकी है, बीच में अभी भी पानी है, लेकिन इसे आप JCB के द्वारा देख रहे हैं कि JCB के द्वारा अभी काम लगी हुई है। यहाँ पे मिट्टी भराव का काम हो रहा है। यहाँ की मिट्टी जो है वो पानी जमा होने के कारण थोड़ी कट गई थी और यहाँ पे दलदल भी काफ़ी था, लेकिन उसी दलदल से लोगों को परेशानी ना हो जिसकी वजह से मिट्टी को भरा जा रहा है। यहाँ पर जो छठ पूजा है, ये नवयुवक संघ छठ पूजा समिति के द्वारा यहाँ पर हर एक साल यहाँ पे आयोजन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूर बैरिकेटिंग की गई है कि जिसके उस साइड कोई जाए नहीं, क्योंकि उस साइड का कोई भी सतह के बारे में पता है नहीं कि कहाँ पे गड्ढे हैं और कहाँ पे समतल ज़मीन है, तो किसी भी तरह की असुविधा ना हो जिसके कारण मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि जो भी व्रतधारी रहेंगे बैरिकेटिंग के इस साइड रहें और सुरक्षित रहें। जहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था की गई है और कि किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो, लोग यहाँ पर आएँ और अच्छे से पूजा करें, व्रतधारी आएँ, किसी भी तरह की कष्ट ना हो। आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये जो घाट है, ये दो चार घाट सब मिलाकर एक साथ ही मतलब बनती है। यहाँ पर बहुत ही लंबा एरिया में यहाँ पर घाट बनी हुई है। यहाँ पे कहा जाता है कि लगभग नहीं भी तो कम से कम 5 लाख से 6 लाख लोग हर एक साल आते हैं इस घाट पे, यहाँ पे पूजा करते हैं। और चलिए यहाँ पे जो मतलब जिनके देख रेख में यहाँ पे काम हो रहा है, चलिए उनसे चल कर यहाँ पर बातें करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। जी अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम दिलीप राय हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं कुर्जी के रहने वाले हैं जी। मतलब इस बार जो घाट पे जो भी घाट बन रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? घाट में छठवर्तियों के लिए सारी सुविधा का व्यवस्था किया गया है, जैसे लाइट बैरिकेटिंग, दलदल जहाँ पे है वहाँ से कीचड़ मिट्टी निकाल करके अलग से मिट्टी ले आ करके उसमें भरा जा रहा है, ताकि व्रत धारियों को किसी प्रकार का कोई परेशानी न उठाना पड़े। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अभी जो यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें काफ़ी दलदल है, तो जिससे लोगों को परेशानी होगी? ना ना, उसके लिए ही तो उस पर मशीन लगा करके अलग से मिट्टी लिया करके भरा जा रहा है। क्या लगता है, क्योंकि अब छठ पूजा में ज़्यादा टाइम है नहीं, लेकिन देखने में लग रहा है कि काफ़ी पानी अभी भी यहाँ पे इकट्ठा है, तो क्या छठ पूजा तक मतलब ये छोड़ा गया था कि इसमें भी लोग करेंगे पूजा, लेकिन धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, इसके वजह से देख रहे हैं नहीं होगा तो इसको मोटर लगा करके पानी को फेंकना पड़ेगा, फेंका जाएगा। और अगर सुरक्षा के वो अगर मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे क्या किस तरह के इंतजाम आते हैं? सुरक्षा के लिए प्रशासन के लोग रहते हैं, पूजा समिति के लोग रहते हैं, सभी लोग तो रहवे करते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि हर एक साल यहाँ पे मतलब फ्री में चाय मतलब वितरण होती है, इसके बारे में कुछ बताएं? वो सब चीज़ मने होगा। किस किस चीज़ की व्यवस्था रहती है यहाँ? जैसे दूध हो गया, चाय हो गया, यही सब चीज़ का व्यवस्था किया जाता है। और अगर देखा जाए तो ये आपको क्या लगता है कितने दिन में मतलब ये सब मिट्टी भरा कर मतलब हो जाएगा छठ पूजा से पहले? आज शाम तक कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कड़ी सिक्योरिटी रहेगी और यहाँ पे बंदोबस्त जो है काफ़ी अच्छी की जाएगी, किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जिसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, मिट्टी का भरान हो रहा है कि जिससे दलदल भी ख़त्म हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे तक दूर फैली हुई यहाँ से अच्छी खासी लंबाई है इस घाट की, यहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। इस बार जो है पानी का जो मतलब गहरापन है वो भी काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा दूर तक ना जाएं, बस जो बांस बल्ली जो लगी है उससे इस साइड रहेंगे, तब तक आपको कमर तक की पानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जाने के बाद कितनी गहराई है कोई कह नहीं सकता है। तो और भी ऐसी खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।